नमस्कार मित्रांनो, मी अविनाश पाटील तुमचं हार्दिक स्वागत करतो पुन्हा एक वेळा माझ्या या चॅनलवरती. आणि तुम्हा सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना मग गणेश चतुर्थीची मी मनापासून शुभेच्छा देतो आहे. तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत, मैं क्या बोल सकते, एक एक्सपीरियंस के साथ मैं बताने वाला हूँ ये टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो मैंने फेस किया है कभी ना कभी शायद आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा या नहीं भी किया होगा. और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वैसे अगर आप मान लीजिए डेटा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, या फिर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा जो फाइल्स में रहता है वो हार्ड डिस्क में रहता है, तो उसी पे आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए. एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा हार्ड डिस्क हो गया ख़राब. ये रहा वो हार्ड डिस्क. इसको मैं 2-3 जगह ट्राई किया ठीक करवाने के लिए, थोड़ा डेटा रिकवरी करवाने के लिए, बट नहीं हो पाया वो, अनफॉर्चुनेटली. सो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस वजह से मेरा हार्ड डिस्क ख़राब हुआ, क्यों मेरा डेटा रिकवर नहीं हुआ, और कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने जाने हैं कि हम कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेटा बैकअप रख सकते हैं अच्छे से. तो ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिए. तो मैं स्टार्ट अभी करना चाहूँगा सबसे पहले जो डेटा रिकवरी के प्रोसेस के बारे में. तो डेटा रिकवरी का प्रोसेस एज अ, जैसे लोगों को लगता होगा थोड़ा सस्ता होगा, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स है, जैसे कि इस हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है वो स्टोर होता है एक सीडी टाइप के में, जो सीडी रहती है ना, तो वैसी एक डिस्क में डेटा स्टोर रहता है, तो ऐसी हार्ड डिस्क ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, मतलब कई ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हार्ड डिस्क, जैसे कि आपकी जो सेटा ड्राइव होगी जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता. बट वो क्या है, वो ड्राइव थोड़ी सी महंगी आती है, और कुछ ज़्यादा ही महंगी आती है वैसे, और ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्राइस पे करने पर भी आपको उतना डेटा, उतना स्टोरेज नहीं मिल पाता. तो ये जो ड्राइव जो मेरी ख़राब हुई, वो इसका अगर सॉफ्टवेयर इशू आता तो शायद 8-10 हज़ार में इसका सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटा रिकवरी करा सकते थे. बट मेरे केस में क्या हुआ, इसके अंदर ना फिज़िकल डैमेज हो गया था. मतलब ये जो हार्ड डिस्क है आपको इसको बहुत सेफ यूज़ करना पड़ता है, कहीं गिराना विराना नहीं पड़ता है ऐसे करके. वैसे ख़राब हो चुका है तो मैं कर सकता हूँ इसके साथ, अब कोई उम्मीद भी नहीं इसको रिकवर करने की. वैसे मान लो ऐसे गिर रहा है नीचे, या ज़मीन पर गिर रहा है, या कोई भी प्रकार का फिज़िकल डैमेज हो रहा है, तो इसका हार्ड डिस्क में जो इंटरनल डैमेज होने का चांसेस रहता है बहुत, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स है. और अगर सॉफ्टवेयर का इशू रहता है, मान लो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो ज़्यादा उतना खर्चा नहीं आता वैसे रिकवर कराने का. बट इन केस ऑफ फिज़िकल डैमेज कंपनीज़ क्या करती है ना, जो डेटा रिकवरी सेंटर वाली, ये जो मॉडल इसके पीछे दिया रहता है कि जिस ईयर का मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा मॉडल है, किस मॉडल का हार्ड डिस्क है, तो वो पुराना वो ही वाला मॉडल यूज़ करते हुए उसका मूविंग पार्ट्स इसमें डालते हैं. तो बेसिकली होता ये है कि सेम इसी का मॉडल ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल रहता है. उस केस में ना इन लोग का जो कॉस्ट रहता है वो बहुत हद ज़्यादा बढ़ जाता है. तो जैसे मेरा इनिशियल कॉस्ट जो था, जो मुझे कोट हुआ था, वो था अराउंड 25,000, यकीन करिए 25,000 इसका जो रिकवरी का कॉस्ट जो मुझे कोट हुआ था, और उससे ज़्यादा भी लग सकता था वो बोल रहे थे. बट जब ये ख़राब हुआ था उस समय मैंने एक गलती की थी. उस समय क्या है, मेरे पास उतना पैसा नहीं था 25,000 की मैं पे कर सकूँ इस हार्ड डिस्क को रिकवर कराने के लिए. तो मैंने गलती की वो है, YouTube पे गया, चेक किया, उसमें कुछ वीडियोस देखे कि कैसे हम अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं. तो उनमें ऐसा था कि इस ड्राइव को खोल के जो हेड रहता है, क्योंकि इसमें जब चालू हो रहा था तो एक टक 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 ऐसे करके आवाज़ आती है, उसके कारण ये साफ हो जाता है कि इसका जो हेड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. जो हेड होता है ना, वो एक्चुअली बेसिकली होता ये है कि जो डिस्क है, हेड क्या करता है, रीड करता है डेटा डिस्क में से. तो वो जो एक फिज़िकल मूविंग पार्ट होता है, वो मूविंग पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था.
तो उस केस में मैं क्या किया, एक लोकल शॉप पे गया, कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे, और इसको खोल दिया मैं। अब खोलने पर ये हुआ कि जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर थोड़ा बहुत धूल आ गया था, और उसका जो डिस्क निकालते टाइम या डालते टाइम उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह भी आ गए थे, मतलब टच हो गया था वो। उसी कारण से इसको ज़्यादा डैमेज हुआ और एक्स्ट्रा। अगर मैं वो नहीं करता तो शायद मेरा डेटा पूरा रिकवर हो जाता, बट मेरी उस एक गलती की वजह से मैं डेटा रिकवर नहीं हो पाया, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव रहता है ना इसका जो डिस्क है, अगर हल्का सा भी स्क्रैच आया, हल्का सा भी कुछ धूल आया, तो उन लोग को ये रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो डेटा रिकवरी सेंटर होते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास एक लेबोरेटरी रहती है, मतलब धूल नहीं रहता उसमें, कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरी, और उसी लेबोरेटरी लैब के अंदर ही वो ये डिस्क को खोलते हैं और वहीं से अपना प्रोसेस करते हैं बाकी का। तो इसको मैं गलती ये किया, इसको फिजिकल एक्सपो मतलब नॉर्मल एक्सपोजर दे दिया ऐसे नॉर्मल रूम में इसको ओपन करके। तो वो अगर आपका कभी हार्ड डिस्क ख़राब होता है जिसमें ऐसा वाला, प्लीज़ वो काम कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैक्सिमम चांसेस है आप अपना पूरा डेटा लूज़ कर देंगे, जैसा मैं हुआ, मेरे साथ हुआ। तो और डेटा रिकवरी का जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कॉस्ट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, यकीन नहीं मानोगे आप, मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब 25,000 कोट हुआ था, सेकेंड टाइम किसी और जगह पर मैंने दिखाया तो उस समय भी अराउंड 25-30,000 कुछ कोट हुआ था मुझे। अगर वो रिकवर कर पाते तो वो पहले चेक करते, लेकिन चेक करने से पहले ही रिकवरी सेंटर वाले हमें बता देते कि इतना इतना प्राइस लग सकता है। वहाँ से नहीं हुआ तो मैं एक और जगह गया, तो यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कोट हुआ था अराउंड 80,000 रुपीज़, 80, 80। और मेरे लिए ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं वो 80,000 देने को भी तैयार था। तो उन्होंने जब एनालाइज़ किया इसे तो वो भी बोल दिए कि नहीं हो पाएगा डेटा रिकवर। फाइनली मैं समझ गया कि अब तो मेरा डेटा गया पूरा। तो अब अगला पॉइंट ये है कि आपको अपना डेटा कैसे सेफ रखना है और हमेशा बैकअप कैसे रखना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा हूँ कि आप कैसे रख सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट सेक्शंस में। तो सबसे पहला ये है कि आप एक के बजाय दो हार्ड डिस्क लीजिए एक साथ। लोगों को लगेगा थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी सबसे सस्ता तो यही लग रहा है मेरे को अभी अभी के लिए फ़िलहाल। तो ये हार्ड डिस्क अराउंड कितना, 4 या 5 5 5 हज़ार तक आती है, 2 TB की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे दो हार्ड डिस्क ले लीजिए, भले ही एक साथ मत लीजिए अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो थोड़े थोड़े समय बाद ले लीजिए, पर लीजिए। एक हार्ड डिस्क हमेशा अपने ट्रैवल के टाइम साथ में रखिए, और जो दूसरी हार्ड डिस्क है वो हमेशा घर पे रखिए, ताकि उसको कोई ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट ना मिले वो दूसरी हार्ड डिस्क को। ये जो हार्ड डिस्क रहेगी तो आप इसको ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, ऑन द गो कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और वापस आने के बाद इसमें जो डेटा है वो अपनी दूसरी हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं उसको सेफली, और उसको यूज़ में करे ज़्यादा। तो उसके क्या है, इस हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में वो जो दूसरी हार्ड डिस्क रहेगी उसके ख़राब होने के चांसेस ऑलमोस्ट 70-80% कम हो जाएंगे। इसका अभी भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहेगी, इसमें कुछ ना कुछ लगता रहेगा, थोड़ा सा हिलती रहेगी ये बहुत ज़्यादा, वो क्या है एक जगह सेफ रहेगी ऐसे दूसरी हार्ड डिस्क, तो उसको कोई मूवमेंट मिलेगा नहीं, तो वो ज़्यादा आपका डेटा बचा सकती है। और मान लीजिए आपकी अगर कोई भी एक हार्ड डिस्क मैक्सिमम चांस रहेगा 99% टाइम कि ये जो आप हमेशा ले जाते साथ में वो वाली हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, मान लीजिए, उस समय आप ये कर सकते हैं कि आपका पूरा बैकअप आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको रिकवरी सेंटर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उसी टाइम पे इसके ख़राब होने पर एक नई हार्ड डिस्क, या फिर अगर आपके वारंटी में है तो हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट भी हो जाता है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वारंटी में है तो। जैसे 2 साल की वारंटी इसको मिलती है ये वाली को, अगर 2 साल में अगर मान लीजिए ये हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है तो इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, भले ही उन लोग रिकवरी करने के नहीं देंगे, रिकवरी आपको अलग से करवानी पड़ती है, जो कंपनी की हार्ड डिस्क है उनके वारंटी में रिकवरी का ऑप्शन नहीं रहता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी, तो ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो
इसकी जगह सेटा ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, SATA। वो ड्राइव्स क्या है, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं रहते, जैसे इसमें डिस्क रहता है ना, उसमें मूविंग पार्ट नहीं रहता, बहुत कम रहता है। तो उसका क्या है, थोड़ा सा स्पीड भी ज़्यादा रहता है, बट वही है कि थोड़ा सा महंगा रहता है वो हार्ड डिस्क। और वो हार्ड डिस्क बोला, ये बोले कि जैसे सिर्फ 5,000 में 1 TB आ रहा है, मतलब 2 TB आ रहा है, उसी रेट में 5,000 में उसमें मुश्किल से 500 GB आएगा, मुश्किल से 500 GB या फिर उससे भी कम, 250 GB, 254 GB, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते तो वो वाली आप यूज़ कर सकते हैं, सेटा ड्राइव्स। इसके अलावा अगर कुछ है आपके दिमाग में कि आप अपना हार्ड डिस्क, आपका डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे भी बताइए, मैं भी कोशिश करूँगा फिर, अगर वो मेरे फिजिबल रहा तो ये थी फाइनली कहानी मेरे हार्ड डिस्क के ख़राब होने की, और मैंने क्या क्या उसके लिए कोशिश की अपना डेटा रिकवर कराने के लिए, नहीं हो पाया सक्सेसफुल, और क्यों नहीं हो पाया, मैंने मैंने कौन सी गलतियाँ की। तो अगर आपका भी कोई डिपेंडेंसी है आपके डेटा पे, तो ज़रूर ये चीज़ कीजिए जो मैं आपको बताया, दो तीन चीज़ें, जैसे डबल हार्ड डिस्क का हो गया या फिर आपका सेटा ड्राइव हो गया, तो वो चीज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको ज़रूरत नहीं है आपके डेटा की, तो उसके लिए तो फिर करने की ज़रूरत भी नहीं, रिकवरी का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा फिर। और हाँ, ये भी बताना भूल गया था, ये जो डेटा का जो इन लोग प्राइसिंग कोटिंग करते हैं ना, कोटेशन, वो इसके मॉडल नंबर, इसका जो क्या बोलते हैं आपका कैपेसिटी कितना है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 2 TB का कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क है और उसमें आपका डेटा सिर्फ 500 GB है, तो वो ये नहीं देखते कि आपका डेटा इसके अंदर कितना है, वो ये देखते हैं कि आप डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, मतलब 2 TB, तो वो उसको 2 TB ही मानकर चलते हैं और उस हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाता है। और अगर हार्ड डिस्क 1 TB की होगी तो थोड़ी कम होगी, जैसे 17 से 18 हज़ार शायद तक मुझे अनुमान लग रहा है हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका डेटा ऐसी किसी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो गया है, चाहे ये हार्ड डिस्क हो, चाहे वो लैपटॉप के अंदर जो इंटरनल हार्ड डिस्क रहती है, या आपके PC के अंदर जो इंटरनल हार्ड डिस्क रहती है, कोई भी हो, सबके लिए रिकवरी का मेथड एक ही है, सच बता रहा हूँ, कभी भी खुद से मत खोलिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सीखने मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए, और मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस से मिला है बहुत कुछ सीखने के लिए अभी। तो अभी के लिए, आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली बार, नमस्कार।